रेप और मर्डर केस में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से 20 दिन की पेरोल पर जेल से बाहर आ गए हैं। गुरमीत राम रहीम के पेरोल मिलने के साथ ही ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब भी पंजाब और हरियाणा में चुनाव होते हैं तब रेप और मर्डर के दोषी सच्चा डेरा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को तुरंत पेरोल और फरलो कैसे मिल जाती है। अब ये मुद्दा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, डेरा प्रमुख पिछले 7 साल में 15 बार जेल से बाहर आ चुके हैं, वहीं 259 दिन से ज्यादा जेल में उनका बाहर आना हो चुका है। दिलचस्प बात यह भी है कि उसे पेरोल विधानसभा, लोकसभा या पंचायत चुनाव के समय ही मिल जाती है। वहीं गुरु राम रहीम का फरलो और पेरोल के आंकड़ों से साफ पता चलता है कि बीजेपी ने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में उसे जेल से बाहर लाकर चुनाव में निशाना बनाया। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ संयोग की बात है कि तब चुनाव थे, लेकिन रिहाई राज्य के जेल मैनुअल प्रावधानों के अनुसार हुई है। वहीं आपको बता दें, जब उनका पहला पेरोल हुआ था तब 30 सितंबर 2024 को 20 दिन के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव थे, वहीं 13 अगस्त 2024 21 दिन के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव, वहीं 20 दिन 2024 को 5 दिन लोकसभा चुनाव, और वहीं 21 नवंबर की बात करें 2023 में तो 21 दिन राजस्थान विधानसभा चुनाव, 20 जुलाई 2023 की बात करें तो 30 दिन हरियाणा पंचायत चुनाव। ऐसे उनकी फेहरिस्त काफी लंबी है। हर बार चुनाव से पहले उनको पेरोल मिल जाती है। जिस तरीके से गुरमीत राम रहीम को पेरोल या फरलो मिलती आ रही है, उससे ये सवाल भी उठता है कि डेरा की राजनीति में इसका कितना असर है और डेरा अनुयायी जो हैं हरियाणा के वोटर्स को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। आपको बताते हैं, हरियाणा के 6 जिलों में डेरा के सबसे ज्यादा अनुयायी हैं। वहीं सबसे पहले तो ये समझिए कि डेरा सच्चा सौदा के हरियाणा और 6 जिलों में काफी अनुयायी हैं और इसमें फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, करनाल और हिसार शामिल है। हरियाणा के कम से कम 26 विधानसभा क्षेत्रों में डेरा के अनुयायी रहते हैं। वहीं फतेहाबाद के डेरा के अनुयायी की संख्या सबसे ज्यादा है, जहां टोहाना, रतिया और फतेहाबाद समेत 3 निर्वाचन क्षेत्रों पर डेरा अनुयायी काफी प्रभाव डालते हैं। वहीं आपको बता दें, डेरा की कुल 38 शाखाएं हैं, जिसमें से सिर्फ हरियाणा में ही अकेला देखा जाए तो 21 शाखाएं हैं। वहीं डेरा के सूत्रों के अनुसार अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा हरियाणा में प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं अनुयायियों की संख्या जो हरियाणा में है वो 1.25 करोड़ है और डेरा की 38 शाखाओं में से 21 शाखाएं केवल हरियाणा में स्थित हैं। वहीं धार्मिक संप्रदाय होने के बावजूद डेरा के राजनीतिक हित हैं और उन्होंने एक पॉलिटिकल ब्रांच यानी राजनीतिक शाखा स्थापित की है। वहीं गुरमीत राम रहीम के निर्देशन में काम करती है यह संप्रदाय। पहले शिरोमणि अकाली दल और भाजपा और कांग्रेस में शामिल रहा है। आपको बता दें, लाखों की संख्या में डेरा के फॉलोअर्स हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब विपक्षी पार्टियां अब इस पेरोल का विरोध करती हुई नजर आ रही है। दरअसल इस बीच विपक्षी पार्टी कांग्रेस, सिख संगठनों और शिरोमणि जो अकाली दल है और पीड़ितों के परिवार के चुनाव आयोग से डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दी गई पेरोल को रद्द करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता और वरिष्ठ महासचिव दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है और रेप और मर्डर के दोषी को बार बार पेरोल दी जा रही है। जेल में सजा काट रहे सिखों के परिवारों के साथ पूरे पेरोल पर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। डेरा प्रमुख को महीनों में पेरोल कैसे मिल जा रही है, जबकि उन अन्य कैदियों को सिर्फ कुछ घंटों की रिहाई मिल रही है। वहीं मृतक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने भी पेरोल पर सवाल उठाए हैं और पेरोल रद्द करने की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई है कि डेरा प्रमुख चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। आपको बता दें, डेरा सच्चा सौदा का राजनीतिक प्रभाव उनके अगड़ी जातियों के अनुयायियों के अलावा पिछड़ी जातियों के अनुयायियों में भी है। हालांकि अनुयायियों के दलित की संख्या जो है वो कम है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आमतौर पर हरियाणा में अगड़ी जाति के वोट कांग्रेस और भाजपा जैसी मुख्य धारा की राजनीति पार्टियों के बीच में बढ़ जाते हैं, फिर भी पिछड़ी जातियों के डेरा अनुयायी डेरा प्रमुख द्वारा जाति दिशा निर्देश का पालन करते हैं। वहीं आपको बता दें, अगर पूरा मामला देखा जाए तो डेरा ने कब कब किस पार्टी को समर्थन दिया। 2007 में पंजाब विधानसभा चुनाव में डेरा ने कांग्रेस को अपना
समर्थन देने की घोषणा की थी। वहीं 2014 में डेरा सच्चो सौदा ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन किया था। वहीं 2015 में डेरा ने नई दिल्ली चुनाव में भाजपा का खुलकर समर्थन किया। संप्रदाय ने 2015 में बिहार के चुनाव में भी भाजपा का समर्थन किया। अनुमान है कि बिहार में भाजपा के लिए 3000 अन्यायियों ने भी प्रचार किया था। अब माना यह जा रहा है कि राम रहीम को बाहर आने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें कम होने की बजाय बल्कि और बढ़ने वाली है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां उन पर लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं।